मई 2009, एक ऐसी घटना जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंसेस। मई 2009 को वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी में 400 अरब तारे हैं और यूनिवर्स में ऐसी 200 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं। ऐसे में हमारे पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कितने स्टार्स होंगे, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारी धरती के सभी बीचेस पर मौजूद रेत के कणों से भी ज्यादा स्टार्स यूनिवर्स में मौजूद है। लेकिन इन सब के बावजूद एक ऐसा स्टार है जिसने दुनिया के सभी साइंटिस्ट का ध्यान इन स्टार्स से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। आखिर ऐसा क्या है इस स्टार में जो पूरे यूनिवर्स के 200 अरब खरब तारों में सबसे मिस्टीरियस बन चुका है। कहानी की शुरुआत होती है 2009 में, जब नासा ने केपलर मिशन को लॉन्च किया। केपलर स्पेस टेलीस्कोप का मेन ऑब्जेक्टिव था प्लैनेट हंटर प्रोजेक्ट के तहत हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद प्लैनेट्स की खोज करना। इस प्रोजेक्ट की मैनेजर थी एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, तबिथा बोयाजिन। केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने मात्र एक सिंगल फील्ड में 4 साल तक 150,000 स्टार्स की ब्राइटनेस को मॉनिटर किया। लेकिन केपलर के इस ऑब्जर्वेशन से कुछ ऐसा हुआ जिसकी साइंटिस्ट ने कल्पना भी नहीं की थी। केपलर मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव एक्सोप्लैनेट्स की खोज करना था। ऐसा करने के लिए केपलर टेलीस्कोप को स्टारलाइट में ट्रांजिट को डिटेक्ट करना था। दोस्तों, ट्रांजिट का मतलब होता है कि जब एक प्लैनेट अपने स्टार के अराउंड ऑर्बिट करता है, तब जिस साइट ऑफ लाइन से हम उसे देख रहे हैं, उस जगह से पास करते वक्त वह प्लैनेट अपनी स्टार की लाइट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से स्टार की कुछ परसेंट ऑफ लाइट ब्लॉक हो जाती है, जिसे आप इस कर्व में एज अ डिप देख सकते हैं। जब जब ऐसा होगा, तब तब इस कर्व में डिप मिलेगा। इन सभी स्टार्स से मिले डेटा को सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट की टीम ने एनालाइज करना शुरू किया। लेकिन इन सब 150,000 स्टार्स के डेटा को जब स्टडी किया, तो बाकी सभी स्टार्स से मिल रहे डेटा में सब कुछ नॉर्मल था। पर एक स्टार ऐसा था जिसने केपलर मिशन के सभी साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए। यह स्टार था KIC 8462852, यानी द टैबी स्टार, जो कि हमारी धरती से 1470 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। इस स्टार से मिल रहे डेटा में कुछ ऐसा था जो कि काफी अननेचुरल सिग्नल दे रहा था। दोस्तों, साइंटिस्ट के अनुसार जुपिटर जितना बड़ा प्लेनेट अपने स्टार की 1% लाइट को ब्लॉक कर सकता है। अगर इस लाइट कर्व को देखा जाए, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जुपिटर अपने स्टारलाइट के कितने बड़े पोर्शन को ब्लॉक कर सकता है, जबकि वहीं धरती के द्वारा ब्लॉक की गई लाइट हमें इस ग्राफ में विजिबल नहीं हो रही। लेकिन टैबी स्टार से आ रहे मिस्टीरियस सिग्नल कुछ और ही कहानी कह रहे थे। मई 2009 में किए गए ऑब्जर्वेशन में साइंटिस्ट को यह डेटा मिला। इस डेटा में दिख रहे डिप का मतलब है एक स्टारलाइट का एक काफी बड़ा पोर्शन ब्लॉक कर लिया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये डिप जुपिटर से भी बड़े प्लेनेट की वजह से होना चाहिए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एक प्लेनेट की वजह से मिलने वाला डिप यू शेप में होता है, जबकि यहां एक स्ट्रेंज स्लोप दिखाई दे रही है, जिसका मतलब यह है कि इस लाइट को ब्लॉक करने वाली चीज कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि काफी बड़ी अनयूजुअल स्ट्रक्चर को सजेस्ट करता है, जो कि फ्लैट भी हो सकती है। यह डिप न सिर्फ कुछ थोड़े समय के लिए मिला, बल्कि कई हफ्तों तक स्टार की लाइट ब्लॉक हो चुकी थी। इसका मतलब वहां कुछ ऐसी अजीब स्ट्रक्चर थी जिसने स्टार की लाइट को ब्लॉक कर रखा था। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने इसे एक बार के लिए अनदेखा कर दिया। पर इसके एक साल बाद मार्च 2011 में कुछ ऐसा डेटा मिला जिसने इस स्टार पर और गहरे सवाल खड़े कर दिए। इस स्टार की लाइट को ब्लॉक करने वाली जो भी चीज थी, इस बार इसने स्टार की लाइट को 15% तक ब्लॉक कर दिया। मानो कुछ ऐसी विशाल संरचना जो स्टार की 15% लाइट को खाए जा रही हो। यहां वैज्ञानिकों को परेशान करने वाली बात यह थी कि यह वस्तु न तो कोई प्लेनेट थी, न कोई एस्टेरॉयड और कॉमेट्स की रिंग्स जो एक साथ स्टार की लाइट को ब्लॉक कर दें, बल्कि ये तो कुछ ऐसी चीज थी जो धीरे धीरे स्टार की लाइट को ब्लॉक करे और अचानक कुछ समय बाद लाइट प्रकट हो जाए। मानो कुछ ऐसी संरचना हो जो एक साथ लाइट को ब्लॉक करके इस तरह घूम रही हो कि छुपम छुपाई का खेल हो। यहां तक भी बात इतनी चौंकाने वाली नहीं थी, लेकिन फरवरी 2013 को इस स्टार ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए।
इस बार जो डेटा साइंटिस्ट को मिला उसमें न सिर्फ एक डिप बल्कि तीन बड़े बड़े डिप ऑब्जर्व किए गए। यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस बार इस स्टार के चारों ओर मौजूद चीज ने इसकी 20% लाइट को ब्लॉक कर दिया। यह सब घटनाक्रम इस बार लगातार 100 दिन तक चलता रहा। एक ऐसी चीज जो न कोई ग्रह है, न एस्टेरॉयड, न स्फेरिकल शेप में, बल्कि साइज में इतनी बड़ी है कि अकेली अपने स्टार की 20% लाइट को खा जाए, और वह भी लगातार 100 दिन तक। अब यह सब देखकर वैज्ञानिकों का दिमाग तो चकराना ही था, क्योंकि इतनी बड़ी चीज जो पूरे स्टार की लाइट के पांचवें भाग को ही ढक दे, ये इशारा करती है कि इसके पास कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसका एरिया हमारी धरती से 1000 गुना ज्यादा है, और वह कोई ग्रह या एस्टेरॉयड नहीं है। इस डाटा में मिले डिप्स ये सजेस्ट कर रहे थे कि इस स्टार के चारों ओर एक काफी बड़ी मेगा स्ट्रक्चर है, जिसमें कई स्ट्रक्चर एक दूसरे के पास से गुजरते हुए कभी लाइट को ब्लॉक करती है, कभी छोड़ती है। अब जब इस सारे डेटा को सिटीजन प्रोजेक्ट की टीम ने केपलर मिशन के साइंटिस्ट को दिखाया तो वे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग गए। लेकिन इसी बीच ये सारी न्यूज लीक हो जाती है और दुनिया में टहलका मच जाता है। न्यूज़पेपर और इंटरनेट पर हर जगह एक ही बात चलने लगती है कि वैज्ञानिकों ने एक स्टार के चारों ओर एलियन मेगा स्ट्रक्चर को ढूंढ लिया है। लेकिन वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि यह एलियंस की करतूत है। अब वैज्ञानिकों को यह पता करना था कि आखिर यहां क्या चल रहा है, क्या यह एलियंस की करतूत है या कुछ और, क्या हमने अपने पहले कॉस्मिक पड़ोसी को ढूंढ लिया है। यहां कई वैज्ञानिक अलग अलग थ्योरीज को लेकर आए, जैसे प्रोटोप्लैनेटरी डिब्री डिस्क, कैटास्ट्रोफिक कलिजन, स्वार्म ऑफ कॉमेट्स और एलियन मेगा स्ट्रक्चर। प्रोटोप्लैनेटरी डिब्री डिस्क के सपोर्टर्स के अनुसार ये कोई एलियन स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक नवजात सितारा है जो कि अभी अभी बना है, और उसके चारों ओर मौजूद डस्ट की वजह से लाइट ब्लॉक हो रही है। कैटास्ट्रोफिक कलिजन के अनुसार यह किन्हीं दो प्लैनेट्स के आपस में टकराने से पैदा हुई कॉस्मिक धूल की वजह से हो रहा है। स्वार्म ऑफ कॉमेट्स थ्योरी के अनुसार इस तारे के चारों ओर हजारों कॉमेट्स का तूफान आया होगा। लेकिन इन सब एक्सप्लेनेशन में एक काफी बड़ी दिक्कत थी। अगर यह डस्ट की वजह से हुआ है तो डस्ट उस लाइट को अब्सॉर्ब करके हीट अप होकर फिर से उसे रीएमिट करेगी, जबकि वैज्ञानिकों को मिले डेटा में ऐसा कुछ भी साइन नहीं था। जहां कुछ वैज्ञानिक एलियंस को नकार रहे थे, वहीं केपलर मिशन पर काम कर रहे अमेरिकन एस्ट्रोनोमर, पेन स्टेट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस सेंटर के डायरेक्टर जेसन राइट, उनके अनुसार केपलर टेलीस्कोप का प्रिसीजन इतना स्ट्रांग है कि किसी भी स्टार के चारों ओर मौजूद एलियन मेगा स्ट्रक्चर को डिटेक्ट कर सकता है। इसलिए इस डाटा को आगे सेटी ऑर्गेनाइजेशन को भेजा गया ताकि वह एलियंस की गुत्थी को सुलझा सके। अब सेटी ने अपनी नजरें इस स्टार पर गड़ा ली, लेकिन वहीं वैज्ञानिकों को यह मिस्ट्री परेशान कर रही थी, क्योंकि इतनी बड़ी मेगा स्ट्रक्चर एक टाइप 2 सिविलाइजेशन ही बना सकती है। दोस्तों, टाइप 2 सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो हमसे काफी एडवांस होगी। हमारे यूनिवर्स में अगर एलियंस होंगे तो उनमें कई एडवांस सिविलाइजेशंस होंगी, जिन्हें एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डाशेव ने कार्डाशेव स्केल के अनुसार कई टाइप्स में बांटा है, जिसमें टाइप 2 सिविलाइजेशन एक ऐसी आधुनिक एलियन सभ्यता होती है जो अपने स्टार की पूरी एनर्जी को खाने लगे, जिसके लिए ऐसी सिविलाइजेशन पूरे स्टार के चारों ओर ही एक मेगा स्ट्रक्चर बनाकर उसकी ऊर्जा को कैद कर लेते हैं। इस मेगा स्ट्रक्चर को डायसन स्फीयर कहा जाता है। ये इतनी बड़ी होगी कि इसका सबसे छोटा यूनिट भी चांद और धरती के बीच की दूरी से भी 100 गुना बड़ा होता है। तो आप सोच लीजिए, ये डायसन स्फीयर कितना बड़ा होगा और इसे बनाने वाली सभ्यता कितनी ज्यादा एडवांस होगी। यही चीज वैज्ञानिकों को परेशान कर रही थी, क्योंकि ऐसी मेगा स्ट्रक्चर ही एक स्टार की इतनी बड़ी लाइट को ब्लॉक कर सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां भी कई सवाल खड़े होते हैं। मान लीजिए अगर इतनी बड़ी मेगा स्ट्रक्चर हो तो वो काफी एनर्जी का यूज करेगी और जिसकी वजह से काफी हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन वैज्ञानिकों को ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार हो सकता है कि ऐसी एलियन सिविलाइजेशन उस हीट एनर्जी को किसी और डायरेक्शन में भेज दे ताकि हमें उनकी करतूत का पता न चले। लेकिन दोस्तों, जहां दुनिया इसे एलियन का कारनामा समझ रही थी, वही सेटी ने 2017 में अपने ऑब्जर्वेशन में बताया कि
यह कोई एलियन मेगा स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इस तारे के चारों ओर घूम रही स्पेस डस्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। हालांकि सेटी के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि यह डस्ट कहां से आई, इसका सोर्स क्या था, क्योंकि यह कोई नवजात सितारा भी नहीं था जिसका अभी अभी जन्म हुआ हो। डस्ट को कारण मानने पर यहां मिसिंग हीट फ्लक्स की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि आखिर उस डस्ट से अब्सॉर्ब हीट का साइन क्यों नहीं मिला। तो ऐसे में दोस्तों, यह स्टार काफी रहस्यमय बन गया है कि आखिर इस सितारे के चारों ओर क्या है, क्या यह एक नेचुरल फिनोमिनॉन है या कोई एलियंस। अगर यह एलियन मेगा स्ट्रक्चर है तो वो एलियंस आखिर कितने एडवांस होंगे, आखिर उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया, आखिर वो क्यों छिप रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस सितारे पर एलियंस मौजूद हो सकते हैं या नहीं, कमेंट में मुझे जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।